महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर रही है। आजकल जो महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है कि सरकार बदल जाएगी, सीएम चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे एकनाथ शिंदे का जो मैटर आ रहा है, काफी न्यूज चैनल में अभी चल रहा है। और एकनाथ शिंदे शिवसेना के ही पार्टी के इंसान हैं, जो उन्होंने अपना अलग से बोला है कि मैं शिवसेना हिंदुत्व के साथ नहीं है, तो वो अलग हो रही है। और उनके साथ कई ऐसे शिवसेना के लोग हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है। अब यहाँ मैटर फंस रहा है कि क्या उद्धव सरकार गिरेगी, क्या होगा। आंकड़ों के हिसाब से, जी न्यूज पे जो दिखाया गया आंकड़ों के हिसाब से 122 लोग अभी भी उद्धव सरकार के साथ है और 153 लोग बीजेपी के वगैरह मिला के एकनाथ शिंदे के साथ। तो उस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार उद्धव सरकार नहीं रहेगी और वहां पे एकनाथ शिंदे नए सीएम बनेंगे। तो एकनाथ शिंदे सीएम बनने के बाद क्या पालघर का या सुशांत सिंह राजपूत का या बाकी किससे सॉल्व होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कल भी रिपब्लिक भारत पे अर्णब गोस्वामी ने बोला कि आपको सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया और बोला कि आपको बॉलीवुड का तो समझ में आता है लेकिन शिवसेना को क्या प्रॉब्लम थी, ये बोला गया है खुद अर्णब गोस्वामी के थ्रू। तो क्या ये किस्सा सॉल्व होगा सरकार गिरने के बाद या सीएम चेंज होने के बाद? शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है एसएसआर केस के ऊपर। और शायद बाकी केसेस जो भी है, जितने भी महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। एक सुशांत का किस्सा इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी हुए, पालघर का किस्सा हुआ और बाकी सारी चीज़ें हुई। क्या इन सब पे पर्दा उठेगा या क्या ये चीज़ें सॉल्व होगी और क्या उद्धव सरकार अब रहेगी? क्या आंकड़े सही है ये 122 एमएलए उद्धव सरकार के साथ है और 153 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ है? तो क्या, या तो फिर क्या है बीजेपी ने अपना नया क्या बोलते पैतरा अपनाया कि शिवसेना से ही किसी एक को बाहर अपने साइड ले लो और अपना बीजेपी का सपोर्ट उनको दे दो और फिर वापिस से सीएम चेंज। तो क्या सरकार को 2024 तक भी इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी अपना, क्योंकि इन 3-4 साल में जो भी हुआ महाराष्ट्र में, अगर बीजेपी बीच में सरकार बना लेती है तो इन 3-4 साल में जो भी हुआ महाराष्ट्र में, कोविड की वजह से हो, सुशांत की वजह से हो या बाकी जो भी हो, जितना लॉस हुआ है महाराष्ट्र में, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, नेचुरल था कोविड का रीज़न, लेकिन दूसरे चीज़ें जो भी हुए उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। वो अगले इलेक्शन में कौन सी पार्टी उसमें थी, इनके ऊपर वो भांडा फोड़ा जाएगा। तो अगर बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 साल में क्या क्या है पूरा बीजेपी के ऊपर कांड डाल दिया जाएगा। इसीलिए बीजेपी अब सरकार नहीं बनाएगी महाराष्ट्र में फिलहाल 2024 तक। लेकिन ये नया पैतरा था कि शिवसेना से ही कोई इंसान रखेंगे, शिवसेना का ये कर दो ताकि शिवसेना फिनिश हो जाए और शिवसेना की जगह शिवसेना का ही कोई आदमी उनका 2024 तक संभाले और फिर 2024 में बोले कि शिवसेना ने पूरा ये कर दिया और फिर अपना सरकार बनाए। ये पैतरा मेरे को लगता है बीजेपी सरकार का है। लेकिन अब क्या होगा इसमें, हम तो स्पेशली हम बात करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के केस की। तो मुझे लगता है शायद अगर बीजेपी आज भी यही क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो इंसाफ मिल सकता है, अदरवाइज जैसा है वैसा चल रहा है। क्योंकि मैंने पहले कई बार कहा है, कोई भी नेता दूसरे नेता को बड़ी सजा नहीं देता। पैसे के मामले में, ईडी के मामले में, सीबीआई के मामले में जरूर फंसाएगा लेकिन बहुत बड़ी सजा नहीं देता, क्योंकि सब एक दूसरे के भाई बंदी है। तो अब अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या उद्धव सरकार गिरने वाली है या क्या होने वाला है। ना मुझे समझ में आ रहा है अब सरकार शिवसेना की उद्धव सरकार नहीं रहेगी, एकनाथ शिंदे बनेंगे सीएम। अगले वीडियो में इसका पूरा क्लियर मैं जरूर बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल।